अपनी हवेली के बाहर पहरा बढ़ा दे। तूने मेरे घर को जलाया था ना, मैं तुझसे जुड़ी हर चीज को राख करता जा रहा हूं। हरामजादे, मैं तुझे, बाबा मैं तुझे भी जला दूंगा। भाई साहब हम बर्बाद हो गए, वो हमें भी मार डालेगा, चलिए भाग चले। लगी तो नहीं ना? अरे पकले, ये बाजी मैं जीत के रहूंगा और उनको मैं मार के रहूंगा, हमारा धंधा फिर से खड़ा हो जाएगा। अब भी गाना गाने का शौक है ना कि डर के मारे तुम्हारा? ए मामा, हम कह रहा हूं बिहार का शेर को चैलेंज मत करना। तो हमारा हुक्म है, सपना को टेकरी पे ले जाओ और गाना गालो, बगैर पुजारी के गाना गाते ही 200 करोड़ की जायदाद हमारी हो जाएगी। जाओ, अब होगा चट गाना पट ब्याह सपना के संग। कमिश्नर, अरुण का चक्कर खत्म करने के लिए तो तुम्हारा टकलू मामा ने हमसे कहा कि तुम पहले गाना गा दो, बाद में हम तुम्हारा शादी कर देंगे। अरे शादी के बाद तो हम तुमको पटना ले जाएंगे, फ्रेंड लोग से मिलाएंगे, वहाँ बिहार में हमारा बहुत इज्जत है, हर पान वाला हमको जानता है। अरे कौन है बेतू? अरुण तो नहीं, मगर अरुण का दूत ही समझो। दूत, सपना को हमरे हवाले कर दे और निकल जा। इस रिश्ते का नाम तो नहीं पता, मगर मोहब्बत की कसम मैंने अरुण और सपना को मिलाने की कसम खाई है। अबा सपना को हाथ लगाकर तो दिखा। अरे हाथ तो हम जरूर लगाएगा, लेकिन उससे पहले ये शंकर बिहारी तुझे बहुत धोएगा। साला बुड़वक, का कह रहा था हमको सपना को हाथ लगा कर दिखा? शंकर बिहारी को ऐसा कह रहा था? ए सपना यहाँ, अरे धरा नहीं तो इसका खोपड़ी में हम होल बना देंगे। कम फास्ट फास्ट, अब तुम यहाँ बैठ के भैंस की तरह जुगाली करो, और शंकर बिहारी देखना कहाँ कहाँ हाथ लगाता है। अबे जा बिहारी, फिर कभी सपना पे नजर डाली ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझे?